प्यार बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में 148 और 185 का एलसीएम कितना होता है ये ज्ञात करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम इनके प्राइम फैक्टर कर देते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें अपने अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। अभाज्य संख्याएँ कौन सी है, 2, 3, 5, 7। तो 2 का भाग 7 बार 4 बार, फिर इसमें 2 का भाग 3 बार और 7 बार, 37 आपका एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 37 में 37 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको क्या सीखना होगा कि आपके अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी है, ये अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद इसमें देखा ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक हमने देखा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, तो वे संख्याएं आपकी 2 से विभाज्य रहती। यदि इनमें से नहीं है, मतलब 2 से विभाज्य नहीं है। 3 के लिए अंकों का योग किया, 3 से विभाज्य नहीं है तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। आगे 5 का चेक किया तो यह 5 से विभाज्य। 5 का भाग दिया, भाग जा रहा है 3 और 5 15 और 7 और 5 35, कितना आ गया, 37। फिर 37 में 37 का भाग आपका 1 बार। तो 148 के गुणनखंड क्या आ गया आपके, 2 कितना 2 बार है और 37 आपका 1 बार है। 185 के गुणनखंड क्या आ गए, 5 गुणा 37, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो इसमें सभी फैक्टर लेने हैं और उस फैक्टर को लेने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हुआ है। 2 कितनी बार आया हुआ है आपका, 2 बार आया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद 5 आपका 1 ही बार आया हुआ है। 37 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ है, 1 ही बार आया हुआ है। तो ये लो 37 भी आ गया, ठीक है। यानी उस फैक्टर की अधिकतम घात को लिया जाता है। ओके, आसान है। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 740। यही आपका यहाँ पर एलसीएम है, आंसर है।